आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद में 3 सदस्यीय महामारी लोक निवारण समिति का किया गया गठन। समिति कोविड से संबंधित प्राप्त शिकायतों का करेगी निस्तारण। ईद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सतर्क, 24 घंटे बिजली पानी की गई है व्यवस्था। एडीएम सिटी ने कहा, अवांछित तत्वों पर रहेगी विशेष नजर, माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही। ईद के पर्व पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने जनपद वासियों को दी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, घरों में पढ़े ईद का नमाज, सुरक्षा के हैं व्यापक इंतजाम। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त ने कहा, ईद त्योहार के मद्देनजर सभी मस्जिदों और ईदगाहों पर की गई है विशेष साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। छुट्टा पशुओं पर भी रहेगी विशेष नजर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कोरोना के बाद ब्लैक फंगस रोग के लिए सतर्क है स्वास्थ्य महकमा। बचाव के लिए शरीर को नमी से रखे दूर, लक्षण दिखने पर अवश्य कराएं इलाज। नगर निगम के सैनिटाइजेशन पर वार्ड नंबर 18 के नागरिकों ने उठाया सवाल। कहा, पूर्ण रूप से कराया जाए सैनिटाइजेशन। नगर आयुक्त ने कहा, गड़बड़ी पर कंट्रोल रूम में दे सूचना जिससे करवाया जा सके सैनिटाइजेशन। गोरखपुर में गुरुवार को मिले 780 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 52,666। अब तक 552 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 7,674 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। अपर जिलाधिकारी नगर के भाई के निधन पर शांति सद्भावना समिति ने आयोजित किया शोक सभा। मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से की प्रार्थना। एडीएम सिटी के कर्तव्य निष्ठा को भी सराहा। ईद पर्व को देखते हुए नगर निगम द्वारा चलाया गया विशेष सफाई एवं सैनिटाइजेशन अभियान, नगर आयुक्त रहे मौजूद। ईद पर्व पर बिकने वाली सेवइयों पर लगा कोरोना संक्रमण का ग्रहण। सेवइयों की हो रही है ऑनलाइन डिलीवरी, लॉकडाउन में बिक्री रही फीकी। जनपद में जिला अस्पताल सहित 76 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के 3,325 और 45 साल से ऊपर के 8,558 नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा, लोगों के सहयोग से कोरोना मरीजों की संख्या में आ रही है कमी, लोग कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन। लॉकडाउन के दौरान 12 दिन बाद खुली शराब की दुकानें, 5 बजते ही गिर गए शटर, ग्राहकों में नहीं दिखा उत्साह। और शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू का गुरुवार को भी देखने को मिला आंशिक असर। एसपी सिटी ने कहा, घरों में अदा करें ईद का नमाज, रहें सुरक्षित।